शुरुआत एक बड़े सवाल के साथ कि खाद ही तो मांगी थी बदसलूकी क्यों, वो तुम्हारे लिए अनाज भी उगाए और फिर तुम्हारी लाठियां भी खाए। वाह, शिवपुरी में खाद के लिए किसान परेशान है और पुलिस भी लाइन में लगे किसानों के साथ बदसलूकी कर रही है। वीडियो सामने आया है, शिवपुरी के लुधावली खाद केंद्र पर यह तस्वीर सामने आई। खाद लेने के लिए किसान पहुंचे हुए थे, लाइन में लगे हुए थे, कुछ विवाद हो गया। इसके बाद पुलिस वालों ने, वर्दी वालों ने अपनी वर्दी का पूरा अहंकार लाठियों की शक्ल में इस तरह से परोस दिया। बदसलूकी देखिए, तो किसान से बदसलूकी का यह वीडियो वायरल है और सवाल वही, तपता हुआ सवाल ढाई बजे का, कि खाद मांगने पर लाठियां मिलती हैं क्या? यही व्यवस्था अन्नदाता के लिए है, यही प्रधानमंत्री की प्रमुख जाति है किसान, और उसके लिए आपके पास है लट। कहीं कहीं एक्शन भी है। मुरैना में खाद की कालाबाजारी की शिकायत के बाद प्रशासन की टीम ने खाद वितरण केंद्र पर छापा मारा। कैलारस में गोदाम पर छापे के दौरान 100 बोरे डीएपी खाद जब्त की गई है। किसानों की शिकायत थी कि दुकान संचालक ने कालाबाजारी के लिए खाद के स्टॉक को जमा किया है। आपको बता दें, इलाके में किसानों को खाद के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। खाद वितरण केंद्र पर किसान रात रात भर लंबी लाइन में लगे रहते हैं, उन्हें खाद नहीं मिल रहा। किसानों का आरोप है कि व्यापारियों ने डीएपी खाद के स्टॉक को जमा कर रखा है जमाखोरी और मुनाफाखोरी के लिहाज से। अब याद कीजिए पहली तस्वीर जिसमें लठ पड़ रहा है, वही किसान लठ भी खाए, वही आपको शिकायत भी करे कि कहीं जमाखोरी हो रही है, फिर ये लंबे चौड़े महकमे, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किस बात का है? मेरी संबंध में तहसीलदार कैलारस से बात हुई है। उनका ये कहना था कि कुछ अधिक पैसे पर खाद बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस सिलसिले में उन्होंने कृषि विस्तार अधिकारी और पुलिस के साथ छापामार कार्रवाई की, और कोई सैनिक खाद बीज भंडार है वहाँ करीब 100 बोरी डीएपी उन्होंने रखा पाया, और जबकि उनका ये कहना था कि उनके पास डीएपी है ही नहीं। ऐसी संभावना है कि वो शायद मैं कह रहा हूँ, पुष्टि नहीं कर रहा अभी, शायद ब्लैक के लिए रखा गया हो, तो उनको उन्होंने जब्त कर लिया है, सील कर दिया है। उधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश में खाद को लेकर हो रहे आंदोलन पर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार खाद की उपलब्धता में जुटी हुई है। ये खबर सही है कि कुछ जगह कालाबाजारी जैसी खबरें आती हैं, लेकिन खाद को लेकर देश में कोई समस्या नहीं। ये बात सही है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण थोड़ी दिक्कतें बढ़ी हैं। नहीं, सरकार करेगी कार्रवाई। कालाबाजारी की समस्या कई बार होती है, इतना जरूर हुआ था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जहाज बहुत घूम के आते हैं, रूट बदल गया, 18 दिन ज़्यादा लगते हैं, समय ज़्यादा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन के कारण पैसा ज़्यादा लग रहा था। तो अभी 2625 करोड़ रुपया का एक स्पेशल पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया ताकि खाद की कीमत ना बढ़ पाए, तो प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी कहीं घटना होगी तो राज्य सरकार कार्रवाई करेगी।